Chobit, my question is how to remember whole syllabus for 2 years for IMCET? Okay. तो एक्चुअली ये एक बहुत सही क्वेश्चन है और बिल्कुल मुझे लग रहा है किसी स्टूडेंट ने पूछा भी है। ये 2 साल का पूरा सिलेबस आने वाला है। बहुत बच्चे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं कि सर क्या 11th का ज़्यादा आएगा या 12th का, तो ये भी नहीं पता होता है हमें कि 11th ज़्यादा आएगा 12th, कभी 11th ज़्यादा आता है कभी 12th ज़्यादा आता है। तो अगर आपको पूरा 2 साल का सिलेबस एक साथ दिमाग में रखना है तो इसको रखने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। बहुत बच्चों से मैं पूछता हूँ तो बोलते हैं सर मेरी मेमोरी उतनी स्ट्रांग नहीं है, मैं मेमोराइज नहीं कर पाता हूँ। तो जब कोई बच्चा मुझे ये बोलता है ना, मैं उसे 2-4 क्वेश्चन पूछता हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है, उसको याद होता है। पापा का नाम, वो भी याद होता है। मम्मी का नाम, वो भी याद होता है। अच्छा ठीक है, घर में कितने लोग हैं, वो भी याद होता है। आसपास के लोग, वो भी याद है। दोस्त, वो भी याद है। दोस्त का एड्रेस भी याद है, उस शहर की गलियाँ भी याद है। तो मैं उससे पूछता हूँ कभी तूने पेपर पे बना करके इसका रट्टा मारा है, कहता नहीं। तो मैंने कहा फिर कैसे याद है, क्योंकि मैं रोज देखता हूँ। दैट इज द आंसर कि अगर आपको 2 साल का सिलेबस चाहिए तो मुझे जैसे अपने 10 दोस्तों के घर का एड्रेस चाहिए तो मैं रोज थोड़ी ना रट्टा मारूंगा, आज इसके आ गया, कल उसके आ गया, परसों उसके आ गया, मुझे 1 महीने में सब याद हो जाता है। या मेरी अलग अलग क्लास में सपोज 50 या 100 बच्चे हैं, मैं डेली अटेंडेंस लेते रहूंगा, मुझे लोगों के नाम याद हो जाते हैं। सिंपल प्रोसेस है। आप किसी भी रिलीजन में हो, आप पूजा करते हो, मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, मुझे पूरा हनुमान चालीसा याद है। क्यों? आपका इंटरेस्ट हो या ना हो, अगर आप पढ़ते ही जा रहे हो ना सिर्फ, तो भी वो 1 महीने में याद हो जाता है। आप अगर मुस्लिम हो, अगर आप अपना वो कलमा पढ़ रहे हो, नमाज कर रहे हो, तो वो सारी चीजें आपको याद है। उसके लिए हम रट्टा नहीं मार रहे हैं तो कैसे याद हो जाए। वही सेम चीज है कि अगर आपको 2 साल का सिलेबस याद करना है, आप उसको डिवाइड कर लो पार्ट वाइज कि पहले सेशन में या पहले 3-4 महीने के लिए मैं इतने चैप्टर रिवाइज करूंगा, इसका फॉर्मूला बुक मैंने बना लिया है। थोड़ा प्लानिंग करनी पड़ेगी, थोड़ी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि हम फॉर्मूला बुक प्रिपेयर कर लें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें डाल दें, और वो बनाने के बाद हम क्या कर रहे हैं, हम उसको रिवाइज करते जा रहे हैं ऑन डेली बेसिस, हम उसको रिवाइज करते जा रहे हैं। तो या अगर आप डेली सारी चीज़ें नहीं रिवाइज कर सकते हो तो ये भी डिसाइड कर सकते हो कि आज मैं मैथ्स रिवाइज करूंगा, या रात के टाइम में मैं मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री वाली चीज़ें रिवाइज करूंगा, और दिन के टाइम में मैं क्या करूंगा कि वो जीके और इंग्लिश वाली चीज़ें रिवाइज करूंगा। एंड जस्ट 30 मिनट्स, सुबह 30 मिनट, शाम को 30 मिनट। इतना अगर आप करोगे और एक कर्सर रिवीजन भी करोगे तो होगा क्या कि पहले 3 महीने में आपने एक सेक्शन रिवाइज कर दिया, दूसरे 3 महीने में दूसरे सेक्शन रिवाइज कर दिए, जब लास्ट में आप जा रहे हो, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, देन मैं सजेस्ट करता हूँ कि कम से कम 3 से 4 घंटे का टाइम सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे दो। क्योंकि IMCET का एग्जाम ऐसा नहीं कि आप ITJEE का एग्जाम लिखने जा रहे हो, जहाँ पे आपको बहुत कंसेप्चुअल काम करना है, बहुत कैलकुलेशन करनी है। ये ईजीएस्ट एग्जाम है, यहाँ पे इतना दिमाग लगाना ही नहीं है। आपको यहाँ चीजें पता है, जैसे अगर आपको पता है कि इंटीग्रेशन में ये वाला टाइप ऑफ इंटीग्रेशन है कि लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक कैसे करते हैं, तो वहां पे वही टाइप ही आने वाला है। बट अगर आपको ये पता ही नहीं है कि लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक करते कैसे है, तब आप वहां बैठ करके सोचोगे या ये बोल दोगे कि जेई जैसा क्वेश्चन आ गया था। बट अगर आपको पता है तो फटाफट हो जाएगा। और यही सेम चीज फिजिक्स में, इंग्लिश में, सब में हो रही है। तो 2 साल का सिलेबस रिटेन करने के लिए थोड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी। सेशन वाइज डिवाइड कर लो, रिविजन फिक्स रखो। रिविजन मतलब एक ऐसी चीज है जिसके लिए आपको यू हैव टू फाइट फॉर दिस वैल्यू कि मैं डेली रिवाइज करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा दूसरा काम रुकता है तो रुक जाए, नींद नहीं लूंगा आधे घंटे की लेकिन रिवाइज करूंगा, या खाना खाने के लिए डिले कर दूंगा लेकिन रिवाइज करूंगा, पार्टी में नहीं जाऊंगा लेकिन रिवाइज करूंगा। मतलब ये एक ऐसी चीज है जिस पे आपको डेली फाइट करनी है। तो ये अगर आप करोगे देन यू कैन इजिली रिटेन द होल सिलेबस ऑफ। और जब बार बार रिविजन करते हो तो ये रिविजन का टाइम भी कम होते जाता है, बिकॉज यू गेट यूज्ड टू इट। मैक्सिमम चीजें आपको पता हो जाती है तो आपको मतलब उतना दिमाग भी नहीं लगाना पड़ता है। मैं तो जब रिवीजन करता था तो पहले क्या होता था कि पहले दिन तो बहुत दिक्कत लगती थी कि 2 घंटे लग रहे, मैं सोचता था कि यार कितना टाइम लग गया, लेकिन जैसे वो 1 महीना हुआ तो वो 2 घंटा कम होते होते आधा घंटा हो जाता था। और कभी कभी तो बोर मारने लगता था कि यार ये तो रोज पढ़ रहे हैं, तो मैं क्या करता था उसको पीछे से पढ़ना स्टार्ट करता, कभी इधर के फॉर्मूले कभी उधर के, जब वहां पे बोर मारने लगा मैं बीच में से डिवाइड करता था आधे इधर आधे इधर। अगर इसमें भी बोर मारने लगा तो मैं क्या करता था उसको रिकॉर्ड कर लिया। फिर जब मैं टीचिंग कर रहा था तो कई बार ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, और मतलब जो टॉप लेवल वाले स्टूडेंट्स होते हैं ना, जो जैसे ओलंपियाड का एग्जाम दे रहे हैं वो दे रहे हैं, तो वो बहुत डिस्कस करते हैं, तो मुझे वो कॉन्सेप्ट पहले नहीं आते थे, तो मैंने क्या किया उसको रिकॉर्ड कर लिया अपनी ही वॉइस में एंटरटेनिंग तरीके से रिकॉर्ड, जैसे मैं एंटरटेनिंग क्लास को एंटरटेन करके और अच्छी तरीके से पढ़ा रहा हूँ। और फिर मैं क्या करता था, मैं उसको सुनते हुए जाता था। अगर मैं मुंबई में कहीं जा रहा हूँ पढ़ाने के लिए तो लोकल में बैठा हूँ, तो मैं क्या करता था हेडफोन लगाए सुनता हुआ गया, तो उससे क्या कि वो डेली आप सुन रहे हो, धीमे 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 आपके दिमाग में आ ही जाएगा। इट इज जस्ट लाइक द सॉन्ग्स। वेरी नाइस, थैंक यू।